नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप टुमारो मतलब बैंक सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी सॉरी इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने मार्केट एनालिसिस टुमारो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्यूचर निफ्टी एनालिसिस बैंक निफ्टी एनालिसिस मार्केट फोरकास्ट दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग उनका मिल जाएगा आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। इसके अलावा मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, स्टॉक मार्केट न्यूज़ दिखाता हूँ, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने स्ट्रेटजी वो कुछ नॉलेज के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज या स्ट्रेटजी मेरे सामने आ जाता है तो मेरा आ जाता है नया नया वीडियो लोड करते रहता हूँ, तो इसीलिए आप लोग उसका भी सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज है जो आप लोग को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कर दे सकते हैं आप लोग ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है टेक्निक्स है ट्रिक्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और आस्था ट्रेड एलिस ब्लू अपस्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है तो मेरा तरफ से फ़ायदा रहेगा। तो देखिए ये मैंने ये चारों स्टॉक्स चुना है ये प्राइस चेंजिंग प्राइस वोलेटिलिटी वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज इसके बेसिस पे तो और भी बहुत सारा मेरा पैरामीटर्स है आप लोग जो लोग जानते हैं मेरा व्हाट आप लोग देख सकता है व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन द बाइसेल एक्सेल सीट एंड हाउ टू स्क्रीन इट इस सब में आप लोग देख सकता है ये सब आप लोग देख सकता है तो ये सब का मैंने स्क्रीनिंग करता हूँ तो इसी इसके ये जो स्क्रीनिंग करके जो आता है तो उसका आप लोग को दिखाता हूँ। तीनों सेटअप ये चारों स्टॉक्स का पहले तीनों सेटअप बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊंगा, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। 360 प्राइस एनालिसिस फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड गान लेवल्स बेस्ड ऑन गान डिग्रीज बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी ये 360 प्राइस एनालिसिस में तीनों साइकिल रहता है, फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल हर एक साइकिल में अप साइड और डाउन साइड रहता है 45 से 360 तक एक एक साइड होता है ठीक है। तो इसका लेवल के भी आप लोग को पता चलेगा तो देखिए पहले देखना पड़ेगा कि स्टॉक कौन सा लेवल पे है मतलब मार्केट ओपन होने के पहले भी देखना पड़ेगा। सोच लीजिए अदानी एंड 353.10 पे है और इसका बाइंग लेवल आता है 356 और सेलिंग लेवल आता है सोच लीजिए और इसका ये कौन सा लेवल पे है देख लेना है। ये 303 तो दिखा रहा है ये कौन सा लेवल पे है एक्चुअली ये नीचे से शुरू करता है 353 का है मतलब 349.97 नीचे आप लोग सेल कर सकता है ठीक है। तो इसका मतलब 397 मतलब 8785 या 80 के नीचे एनीवे तो उसके आप लोग को देख लेना पड़ेगा। ये एक्चुअली हायर साइड से डिडक्ट किया है और लोअर साइड से प्लस किया है तो इसीलिए ये जो है अप साइड ये लोअर साइड से प्लस करके किया है और लो से और हाई से वो जो डाउन साइड है हाई से माइनस करके किया है। ये गान डिग्रीज का एक मतलब वन एस्पेक्ट है, गान डिग्रीज बहुत सारा इस तरीके से किया जाता है। एनीवे इतना सारा मैंने मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी देख सकता है यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं वो सारा चीज़ सीखने पड़े सीख सकता है तो एनीवे बहुत कम कॉस्ट में। तो इसका देखिए कौन सा लेवल पे है देख लेना पड़ेगा, उसका हिसाब से मार्केट ओपन होने से बाद भी आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा लेवल पे है उसका हिसाब से। सोच लीजिए मार्केट ओपन होगा 366 हो गया है तो फिर से ये सोच लीजिए 397 का ट्रेड कर रहा है तो फिर से जब 360.80 या 360.90 ऊपर जाएगा तो ऐसे करके ट्रेड लेना है। तो देखिए अप साइड फर्स्ट साइकिल डाउन साइड फर्स्ट साइकिल आप लोग देख लीजिए और फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल फर्स्ट साइकिल का ऊपर नीचे जाएगा तो सेकंड साइकिल का अपसाइड ऊपर या नीचे जाएगा तो और भी ऊपर और भी नीचे जाएगा तो सेकंड साइकिल का लेवल है आप लोगों के सामने तो 41+45 से 1+360 डिग्री इसके बाद 2+45 से 2+360 डिग्री से थर्ड साइकिल है ठीक है और भी ऊपर और भी नीचे जाएगा तो ठीक है। ये चारों स्टॉक्स का आप लोगों को दिखा दिया है उसके बाद उसके बाद ये फिबोनाची लेवल बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी ये शायद आप लोग को समझ में और मतलब इजी होगा तो ये लेवल पे आप लोग ट्रेड कर सकता है।
तो इसका देखिए, इसका लेवल आप लोग ये चारों चारों स्टॉक्स को नोट कर सकता है। और गांधी इज बेस्ट ऑन डेली वर्ड, वो भी आप लोग को ईजी होगा। लेकिन उसमें आप लोग इसमें ये दोनों लेवल पे आप लोग काम कर सकता है। ये दोनों से कोई भी एक लेवल पे आप लोग काम कर सकता है। 12.5, 22.5, ये सब जो है ये सब लेवल है। ये बीच का जो लेवल है, ये फिगर है, ये मत देखिए, इसका ये सब कैलकुलेशन है। तो इसका लेवल पे आप लोग काम कर सकता है। लेकिन इसका रेंज का बाहर हो जाएगा, उसमें एक लंबा रेंज आप लोग को मिल जाएगा। इसका कोई भी एक लेवल इसका रेंज का बाहर हो जाएगा तो फिबोनाची लेवल और गांधी ग्रीस का लेवल का बाहर हो जाएगा। तो कौन सा लेवल पे 360 डिग्री एनालिसिस देख सकता है, कौन सा लेवल पे है उसके हिसाब से ट्रेड लेना ले सकता है। अच्छा, तो मैंने अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, फिबोनाची लेवल, वेस्टर्न डेली वॉलेटिलिटी, गांधी ग्रीस, वेस्टर्न डेली वॉलेटिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इंडेक्स ऑफ फ्यूचर का मैंने 365 एनालिसिस, जो मेरा मार्केट मार्केट एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस जो वीडियो है उसको देख लीजिए, उस पर 365 एनालिसिस दिखा दिया। उसमें अभी इसमें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और ये 12.5 से लेके स्टार्ट होके 360 डिग्री तक, ठीक है, 80 लेवल और 10 डिग्रीज। अच्छा, इसके बाद कुछ स्टॉक्स फ्यूचर का मैंने ऑनली 80 लेवल, वेस्टर्न डेली वॉलेटिलिटी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये सब फ्यूचर्स का, ये फ्यूचर्स का है, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स का है। इसका लेवल पे आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ दूसरा ही दिखाता है। हाँ, ये सब लेवल देखिए, ठीक है। और कमोडिटी का पहले पहले नहीं दिखाता था, लेकिन अभी कमोडिटी का नहीं दिखा पाता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी ये है कि जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट के उसका कॉल का जब उसका हाई लो ब्रेक करेगा तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अच्छा, तो ये बाटा इंडिया देखिए, बाटा इंडिया, बायोकॉन, बाटा इंडिया, बायोकॉन, हावेल्स, बाटा इंडिया, बायोकॉन, हावेल्स, इंडिया गुड हाउसिंग फिनांस, ओएनजीसी, ये सब में काट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इनसाइड द बार NR4, NR7 और कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, तो उसको भी उसमें भी आप लोगों को बहुत सारा स्टॉक्स मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को एक वीडियो से मिल जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले, मतलब सुविधा होगा। तो देखिए, DLF में NR4 NR7 दिखा रहा है, फेडरल बैंक में NR4 NR7, हिंडाल्को इनपेक्टो में NR4 NR7। जो लोग जानता है NR4 NR7 क्या होता है और कैसे ट्रेड करना है, उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, इनसाइड दवा और कुछ नहीं दिखा रहा है, इनसाइड दवा कुछ नहीं दिखा रहा है। अच्छा, देखते हैं, लगातार 3 दिन से कुछ हायर ही हायर लो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, और लगातार हायर आई हायर लो, लोअर आई लोअर लो, नहीं दिखता है। अच्छा, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, हाँ, ये भी आज नहीं बना है, ठीक है, सभी समय नहीं बनता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं मास्टर लॉन्ग कुछ बना है कि नहीं बना है। मास्टर लॉन्ग तो आज नहीं बना है शायद, मास्टर लॉन्ग एक दो बना है, HCL टेक में बना है, इंडिगो में बना है। इसका हाई जो ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट देगा। TCS है, ठीक है, और मास्टर शॉर्ट का जब लो ब्रेक करेगा, मास्टर शॉर्ट आज बहुत है मार्केट में, बहुत करेक्शन है, पूरा मास्टर शॉर्ट हो गया रहा है। तो ये सब आप लोग, मैंने इधर से आप लोग को कॉल करके दिखाता हूँ, आप लोग पास करके, मैं नज़दीक रखा हूँ, आप लोग पास करके अच्छी तरह से समझ ले सकता है, ठीक है। ये सेकआउट भी देख सकता है, 50-50 देख सकता है। अच्छा, देखते हैं ग्रेपस्टोन, दोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कुछ हुआ क्या, नहीं नहीं हुआ है। अच्छा, इधर BRS रिवर्सल दिखाता है एक्सिस बैंक में। अच्छा, BRS, आरामी, अपोलो टायर, अशोक लेलैंड, एशियन पेंट में ट्रांगुलर पैटर्न दिख रहा है, इधर अपोलो टायर, अशोक लेलैंड में, ठीक है। इधर डार्क क्लाउड कवर बन रहा है BPCL में। अच्छा, BRS, आरामी बना है कनाडा बैंक, सॉरी चोला फिन में, ट्रांगुलर पैटर्न भी बना है चोला फिन में, कोल इंडिया में। एक मिनट, मैंने पास करता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद और भी कुछ है, डार्क क्लाउड कवर, BRS, आरामी। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये BRS रिवर्सल है, बहुत सारा दिख रहा है,
बियरिश सड़क भी देखता है, बियरिश रिवर्सल भी देख सकता है। इधर से आप लोग हाई टाइट हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं कामिंस इंडिया में। इधर से आइसर मोटो में खुसरा है, गोदरेज सी भी ठीक है, एच डी एफ सी इस सेल टेक हीरो मोटो बहुत सारा होगा, इतना देखा नहीं पाऊंगा। अच्छा इसके बाद देखता है ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बुलिस, ये एक्सिस बैंक में दिख रहा है, ट्रेंड लाइन बीआरएस दिख रहा है ब्रिटानिया में ठीक है, जो सिप्ला ये सब में बुलिस ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अच्छा उसके बाद और कुछ देख सकता है, ब्लैक पैटर्न कुछ बना का नहीं बना है, ये ब्लैक पैटर्न हेड एंड शोल्डर डबल टॉप थोड़ा सा कम दिखता है, ये इधर सब गैप अप और गैप डाउन दिख रहा है ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इधर कर्सर इधर हाईलाइट हो जाता है तो आप लोग इधर से समझ सकता है, दिखता है ब्लैक पैटर्न डबल टॉप हेड एंड शोल्डर कुछ बन नहीं रहा है, गैप अप गैप डाउन बहुत सारा हुआ है। अच्छा बटरफ्लाई भी ज़्यादा नहीं दिखता पाता है, पियर्सिंग पैटर्न भी ज़्यादा नहीं दिखता है। बटरफ्लाई ये हार्मोनिक पैटर्न है, हम लोग जानता है जो लोग जानता है, ये मतलब फिबोनाची लेवल्स मतलब कैलकुलेट करके करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइट रहता है, स्पेसिफिकेशन टाइट रहता है तो ज़्यादा नहीं निकलता है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, वीडियो यही ख़त्म करता है, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।